सो हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप उस जगह को वापस क्लेम कर सकते हैं जिसके लिए आपने एक्चुअली पैसे भरे थे, बट उसका इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट और अलग अलग बड़े एप्लीकेशन वाले गुंडागर्दी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो कैसे आप बिना खून खराबा एंड शांति से इन सबको धीरे से सरका सकते हैं बाहर की तरफ। एंड लेट मी टेल यू, मैं कोई बहुत नया मसालेदार चीज नहीं बता रहा हूं, बट काफी इंपॉर्टेंट जरूर है। हो सकता है कुछ चीजें नई हो कुछ लोगों के लिए, बट इस वीडियो का बेनिफिट ये है कि सभी चीजें आपको एक ही जगह में मिल जाएंगी। सो आपका काम आसान हो जाएगा। जस्ट फॉलो द स्टेप्स एंड क्लेम योर स्पेस बैक। एंड ये सारे कुछ ऐसे फाइल्स हैं जो बार बार सिस्टम में वापस बनते रहेंगे। सो आपको हर बार ये सारे स्टेप्स करते रहने होंगे टू कीप योर सिस्टम क्लीन। सो लेट्स स्टार्ट विद पहला ऑप्शन, विंडोज अपडेट का टेम्पररी फाइल को डिलीट करना है। जस्ट अपने विंडोज के ड्राइव में जाओ, लाइक मेरा सी ड्राइव में है। सो गो टू विंडोज एंड सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर, देन गो टू डाउनलोड्स फोल्डर। वहां जितने भी लोग भाईचारे से रह रहे हैं उनका काम हो गया है, सो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में उनको निकाल देना ही बेहतर है। सो डिलीट ऑल दीज फाइल्स। नेक्स्ट ऑप्शन, डिलीट प्रीफेच फाइल। ये वो फाइल्स हैं जो आपके प्रोग्राम को फास्ट लोड होने में हेल्प करते हैं। सो इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ये कभी कभी अपने घर वाले को बुलाना भूल जाते हैं, क्योंकि इनका घर से पत्ता कट चुका होता है, बट स्टिल दारू पी के वहीं पड़े होते हैं। सो बेटर ये है कि ऐसे फाइल्स को डिलीट कर दिया जाए, बट इनको पहचानना मुश्किल है। सो बेटर रिमूव ऑल दीज फाइल्स। सो इसके लिए आपको सिंपल रन में प्रीफेच टाइप करना पड़ेगा, एंड जो फोल्डर आपके सामने खुलेगा उसके अंदर जितने भी फाइल्स मिलेंगे आपको उन सबको डिलीट कर दो। वैसे भी विंडोज जब नया ओपन होगा तो ये अपने आप ही प्रीफेच फाइल्स को बना लेगा। नेक्स्ट, ये स्पेसिफिकली मीडिया कंटेंट क्रिएटर लोगों के लिए है जो कि बहुत ज्यादा वीडियो एडिटिंग या डिजाइनिंग करते हैं। उनके सिस्टम में इनका कैशे काफी जमा हो जाता है, ये कुछ जीबी तक भी हो सकता है। सो इसको डिलीट करने के लिए गो टू योर यूजर्स फोल्डर, उसमें आपको यूजर नेम आपका नजर आएगा, देन गो टू ऐप डेटा, रोमिंग बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन, लाइक यहाँ मैंने पहले एडोब का यूज किया है तो एडोब फोल्डर के अंदर जाते हैं, देन गो टू मीडिया कैशे एंड मीडिया कैशे फाइल्स, ये दो फोल्डर हैं, इसके अंदर जितने भी कंटेंट है उन सबको आपको डिलीट कर देना है। नेक्स्ट, ये तो सबको पता है, टाइप टेम्प इन योर विंडोज एंड प्रेस इंटर। उसके बाद जो सामने आएगा डिलीट एवरीथिंग। कुछ फाइल्स थोड़े ढीठ किस्म के होते हैं, वो डिलीट नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि इनको आज भी सैलरी मिल रहा है किसी करंटली रनिंग एप्लीकेशन से, सो ये इतनी जल्दी डिलीट नहीं होंगे। मे बी नेक्स्ट टाइम जब आप रिस्टार्ट करोगे और वो एप्लीकेशन बंद रहेगा तो ये अब डिलीट हो सकता है। नेक्स्ट अगेन टाइप परसेंट टेम्प परसेंट इन रन कमांड, इस बार ये आपको दूसरी दुनिया में भेजेगा। यहाँ भी करना वही है, डिलीट ऑल द फाइल्स। इसमें भी कुछ ढीठ फाइल्स मिल सकते हैं जो कि नेक्स्ट रिस्टार्ट में डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट, देन राइट क्लिक ऑन योर सी ड्राइव, देन सेलेक्ट डिस्क क्लीनअप, सेलेक्ट ऑल फाइल्स, ऑल्सो क्लिक ऑन क्लीनअप सिस्टम फाइल्स। ये थोड़ा देर विचार करेगा, सोच समझ करके आपको कुछ और फाइल्स प्रदान करेगा जिन सब में भी आपको क्लिक करना है। बट ध्यान रखें, इसमें आपको डाउनलोड का फोल्डर भी मिलेगा, उसको क्लिक मत कीजिएगा वरना आपके जितने भी डाउनलोडेड फाइल्स हैं वो सारे चले जाएंगे। इन सब फाइल्स में सबसे बड़ा जो कल्प्रिट होता है वो होता है विंडोज अपडेट का। सो इसको ध्यान से सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद में केयरफुली सारे को डिलीट कर दो। क्लिक ऑन क्लीनअप टू डू द सेम। It will take some time and delete all the files. इसमें थोड़ा बहुत आपके सिस्टम को सांस लेने के लिए फुर्सत मिल जाएगा। नेक्स्ट, गो टू सी ड्राइव। वहां देखो कोई अजीब से दिखने वाला फोल्डर होगा जिसका नाम हो सकता है windows.old एंड windows 10 अपग्रेड। सो अगर आप अपने विंडोज करंटली रनिंग विंडोज से खुश हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो ये इन दोनों फोल्डर को आप आसानी से डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपका सिस्टम बढ़िया चल रहा है, नो वायरस नो मारामारी एकदम कूल है, देन गो टू सर्च एंड टाइप रिस्टोर। वहां पे क्लिक ऑन सिस्टम रिस्टोर पॉइंट्स। जब ये विंडो ओपन होगा तो चेक आपका रिस्टोरेशन पॉइंट कितना स्पेस ले रहा है, ये बहुत ज्यादा है, देन बेटर इन सबको डिलीट कर दो। ये कुछ जीबी तक भी हो सकता है। एक बार डिलीट करने के बाद में इसका साइज जीरो हो जाएगा, सेट इट टू 5 GB मैक्सिमम, एंड देन क्रिएट अ न्यू रिस्टोरेशन पॉइंट, क्योंकि हमने पुराने सबको डिलीट कर दिए हैं। ये बहुत आसान है, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट न्यू रिस्टोरेशन पॉइंट, कुछ नाम दे दो आज के डेट का एंड क्रिएट इट। ये थोड़ी देर टाइम लेगा एंड फिर नया क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट, अब फाइल एक्सप्लोरर का कचरा साफ करते हैं। जस्ट क्लिक ऑन व्यूज, सेलेक्ट हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड क्लिक अप्लाई। ये सबके सामने मत करना वरना तुम्हारे जितने भी छुपे हुए राज है वो सबके सामने आ जाएंगे। सो ध्यान से करना जब पीछे कोई ना हो। नेक्स्ट, सेलेक्ट जनरल टैब, प्राइवेसी बॉक्स में क्लिक ऑन क्लियर एंड बस काम हो गया आपका। नेक्स्ट, क्लियर विंडोज स्टोर का कचरा, गो टू कमांड प्रॉम्प्ट विद एडमिन एक्सेस। इसके लिए जस्ट टाइप सीएमडी एंड राइट क्लिक ऑन योर कमांड प्रॉम्प्ट एंड ओपन इट एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसके ऊपर में कमांड लिखो wsreset.exe एंड प्रेस इंटर। बस हो गया सफाई। इससे फायदा ये होगा कि आपका विंडोज स्टोर डाउनलोड स्पीड एंड लोडिंग स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा। इसको करने के बाद में आपका विंडोज स्टोर अपने आप ओपन होगा, ये बताने के लिए कि थैंक यू भाई, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है पहले से।
नेक्स्ट क्लियर ब्राउजर डेटा, इसके लिए क्रोम में जाओ, क्लिक ऑन 3 डॉट बटन, क्लिक ऑन सेटिंग्स, प्राइवेसी को खोलो एंड क्लिक ऑन क्लियर ब्राउजर डेटा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सेलेक्ट ऑल टाइम पे क्लिक करो एंड अगर आपका कुकीज को क्लियर करने का इरादा है तो थोड़ा सोच लो, क्योंकि ये पंगा हो सकता है। आपके क्रोम में जितने भी लॉगिन कर रखे हैं उन सबको याद है, ऑटोफिल डेटा अगर आपको याद है तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना एक बार ये क्लियर करने के बाद में वो सारे डेटा चले जाएंगे, आपको फिर से ब्राउजर आपका नया हो जाएगा एंड फिर से आपको सारे डेटा फिल करने पड़ेंगे। सो ये क्लियर करना बहुत आसान है, इसमें जस्ट डिलीट ऑल पे क्लिक करो, ये डिलीट कर देगा। सेम आपको एडवांस टैब में भी जाकर के करना है, वहां पे भी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कुकीज के साथ में, उसके साथ भी सेम करना है आपको। सेम आपको करना है फॉर एज ब्राउजर, बट आई एम नॉट श्योर कितने लोग एज यूज करते हैं। कृपया कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताएं कि इस बलिदान के पीछे राज क्या है। क्रोम ब्राउजर तो काफी अच्छा चलता है मेरे हिसाब से, एक्सेप्ट ईटिंग योर रैम। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपनी दुनिया के बारे में, जो माइक्रोसॉफ्ट को बता रखा है उसको क्लियर करने के बारे में। इसके लिए आप क्लिक ऑन सर्च एंड टाइप लोकेशन, एक नया तिलिस्मी विंडो खुलेगा। यहाँ पे आपको सारे लोकेशन के बारे में हिस्ट्री मिलेगा, जस्ट क्लिक ऑन क्लियर। जो झाम झमेला आपने माइक्रोसॉफ्ट को दे रखा है वो सब क्लियर हो जाएगा, बगल में एक टिक मार्क आएगा, इसका मतलब ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब क्लियर करते हैं एनवीडिया अंकल के कुछ कैशे फाइल्स जो कि बेकार में पड़े हुए हैं एनवीडिया के फोल्डर में। उसके लिए गो टू रन एंड टाइप एप डेटा परसेंट एप डेटा परसेंट, देन गो बैक एंड क्लिक ऑन लोकल, वहां पे एनवीडिया फोल्डर को देखो, गो टू जीएल कैशे एंड डिलीट ऑल द कंटेंट्स। सेम अगर आपके सिस्टम में एनवीडिया कॉर्पोरेशन फोल्डर है उसके अंदर इफ यू हैव एनवी अंडरस्कोर कैशे फोल्डर, देन गो अहेड एंड डिलीट ऑल द कंटेंट, उसके अंदर जो भी कंटेंट पड़े हैं उन सबको डिलीट कर दो। कई लोगों ने ऐसा क्लेम भी किया है कि इसके बाद उनके स्टटरिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है, लोड टाइम काफी इंप्रूव हो गया है। ट्राई करके देखो एंड कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताओ अगर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो। वैसे मेरी किस्मत में ये फोल्डर नहीं है, पता नहीं क्यों ये कहां पर पड़ा हुआ है, मे बी ऑटो डिलीट कर रहा होगा, उसको भी पता चल गया है कि मैं कितना सुस्त एडमिन हूं इस पीसी का, सो अपने आप ही डिलीट करता होगा शायद। नेक्स्ट कुछ और भी हरकतें हैं एनवीडिया की जो कि हिडन है, आज हम उन सबको निकाल बाहर करेंगे अपने घर से, ये सब गंदगी यहां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्लियरली बता दिया जाए एनवीडिया को। सो लेट्स गो टू सी ड्राइव, क्लिक ऑन प्रोग्राम डेटा, ये हिडन फोल्डर है, इसको अनहाइड कैसे करना है ये हमने पहले ही बता दिया है। व्यूज फोल्डर में जाओ, ऑप्शन में जाओ, वहां पर आपको अनहाइड करना है। नेक्स्ट इस फोल्डर में जाओ, सर्च फॉर एनवीडिया कॉर्पोरेशन, सेलेक्ट एनवी अंडरस्कोर कैशे, यस यहां भी यही फोल्डर आएगा आपको एंड उसके अंदर के जितने कंटेंट उन सबको आपको डिलीट कर देना है। नेक्स्ट AMD के लिए उनके एप्लीकेशन में ही दिया गया है, जस्ट सर्च फॉर ऑप्शन क्लियर शेडर्स इनसाइड एडवांस सेक्शन ऑफ सेटिंग्स मेन्यू। फिलहाल तो अपने पास AMD की दया दृष्टि नहीं है, सो मैं आपको वो नहीं दिखा सकता हूँ, बट ये सिंपल है काफी, जैसा कि मैंने बताया, सारे मेन्यूज में जाओ एंड वहां पर आपको क्लियरली ऑप्शन मिलेगा क्लियर करने के लिए। सो ये था अल्टीमेट कचरा सफाई कार्यक्रम इन योर सिस्टम, जस्ट एक बार रिस्टार्ट कर लो, बस मजे करो। कमेंट करके जरूर बताएं इफ यू सी एनी डिफरेंस। So that's it for now guys, hope you learned something new today, if yes then please like, share and subscribe. Thanks for watching.